आखिर कब तक तुम एक लड़की की खातिर मुझसे बात नहीं करोगे? जो भी बात है अम्मी, लेकिन आपको मेरे से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ये खराब हो गया? उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए अपनी हरकतों की, या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? आपको पता भी है आपने क्या कहा है उसको? अच्छी तरह जानती हूँ मैंने उसे क्या कहा है। कौन सी शरीफ लड़की रात के अंधेरे में गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती है? अम्मी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं खुद गया था उसके घर। आखिर इन ड्रामेबाजियों का मकसद क्या है? तुम क्यों कच्चे धागे से बंधे हुए उसके घर पहुंच जाते हो? कुछ तो वो ऐसा कर रही है ना जो तुम्हें पागल बना रही है। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। नादान लड़के, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। मोहब्बत कर रहा हूँ। अल्लाह का वास्ता आपको ऐसी बातें ना करें। हम जानती हैं मेरे दिल में उसके लिए क्या है, फिर भी यही तो तकलीफ है मुझे। तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं जानती हूँ, मेरे दिल में क्या है वो तुम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कल ही जाती हूँ और तुम्हारे लिए लड़की देखती हूँ। अच्छा, तो फिर एक मेरी भी बात आप अच्छी तरह समझ लें, शादी मैं सिर्फ मेहरबानों से ही करूंगा, किसी और से नहीं। अल्लाह हाफिज़। तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं आज ही इस किस्से को जाकर खत्म करती हूँ और मैं देखती हूँ कि तुम वहां शादी कैसे करते हो। कब से कॉल आ रही है आपके लिए, कर लेना बात। कोई जरूरत नहीं है मेहरान से बात करने की। मुझे तो है, मैं करूंगी बात। नूर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई, कैसे हैं? नूर, मेहरू कहाँ है, बात कराओ मेरी उससे। हमारी खाला एक नंबर की सड़न है, जब से सारा की शादी हुई है ना इन्हें चुपकी लग गई है, लगता है हमें इनकी जल्द शादी करनी पड़ेगी। क्या बकवास है नूर, फोन बंद करो। सुना आपने, अब इनके नजदीक आपसे बात करना बकवास है। हेलो मेहरान भाई, दिल नहीं है आपके पास, कितना बुरा लगा है उन्हें और मुझे भी।